फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अभिषेक शर्मा रेसिपीज। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ घसीटा राम्स का गुलाब जामुन। ये मैंने जियो मार्ट से ऑर्डर किया है। इसका वेट 1 kg है और इसका प्राइस 299 है, जो मुझे 149 में पड़ा है जियो मार्ट एक्सप्रेस से। और 1 ईयर तक इसकी शेल्फ लाइफ है। इसका इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ आप देख लीजिए। कंटेंट्स को एक बाउल में डालना है, हीट करना है 3 to 5 minutes लो फ्लेम पे। आप इसको माइक्रोवेव में भी 30 seconds तक हीट कर सकते हैं। और इसके बाद इसके जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो भी आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, जो भी इसमें मेंशन किए हुए हैं। इसको यूज़ करने से पहले, इसको खाने से पहले, मुंबई में मैन्युफैक्चर होता है। ओपनिंग द ट्रेन ट्रांसफर कंटेंट्स इन टू स्टील ग्लास और बाउल, रेफ्रिजरेट एंड कंज्यूम द कंटेंट ऑन सेम डे। आपको जिस दिन खोलना है उसी दिन इसको कंज्यूम करना है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किए, ऐसे मेंशन किया हुआ है। 16 pieces हैं इसके अंदर। बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें मिल्क सॉलिड्स, स्किम मिल्क पाउडर, शुगर, मिल्क कैसीन, मैदा, वेजिटेबल ऑयल, ये सब मेंशन किया हुआ है जो इंग्रेडिएंट्स में है इसमें। तो इसे ओपन करके मैं देखता हूँ, इसमें अंदर टिन निकला है। इसमें इस बॉक्स के अंदर टिन है, तो टिन को आप जैसे नॉर्मल कैन ओपन करते हैं वैसे ही ओपन करना है। इसको पुल करना है जो फ्लैप दिया हुआ है, और ऊपर खींचना है इसको ज़ोर से, और थोड़ा नाइफ की मदद से आपको साइड से खोलना पड़ेगा, क्योंकि उससे पुल करने पे एकदम ओपन होता नहीं है वो। इसके बाद मैं इसको एक बाउल में डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे हीट करना है। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ऐसे लग रहे हैं। अभी ना मैंने लो फ्लेम पे हीट कर रहा हूँ अराउंड 3 to 5 minutes। थोड़ा इनमें हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हुआ है। फ्लेम को हाई मत करना नहीं तो जल जाएगा। लो फ्लेम पे इन्हें हीट करना है 3 से 5 मिनट तक। और इन्हें बाउल में निकाल लिया मैंने, तो गुलाब जामुन में से अच्छी खुशबू आ रही है। और खाने से पहले इन्हें भोग लगा लेना चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये त्यौहार है आज के दिन दशहरा का, और कृष्ण भगवान को इसका भोग बहुत अच्छा लगेगा। भगवान को भोग लगा दिया, अब मैं भोग लगाता हूँ इसका, खा के देखता हूँ। तो ऐसे इस गुलाब जामुन के बॉक्स पे लिखा था कि इसे 3 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हीट करना है, या आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं लगभग 60 seconds के लिए, या 30 seconds के लिए आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो अभी ये गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट हो गए हैं चाशनी के अंदर, अभी इन्हें टेस्ट करने का टाइम है कैसे लगते हैं। तो इन्हें खा के देखता हूँ मैं कैसे लगते हैं ये घसीटा राम के गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन तोड़ लिया है मैंने, इसे टेस्ट करके देखता हूँ। गुलाब जामुन काफी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है, मीठा भी ठीक ओके है इसके अंदर। चाशनी में लगा के खाने के बाद काफी टेस्टी लग रहा है। बट इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें ना केसर का फ्लेवर है ना इलायची का फ्लेवर है। इलायची नहीं है इसके अंदर, जो नॉर्मली गुलाब जामुन में इलायची डाली जाती है, वो इसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहा है। बाकी मैं बोलूंगा गुलाब जामुन अच्छा है खाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट है एकदम। जैसे आप किसी स्वीट शॉप पे एकदम गरम गरम लेके गुलाब जामुन खाते हैं वैसे ही लग रहा है खाने में। सिर्फ इसमें फ्लेवर्स की थोड़ी कमी है, जैसे इलायची या केसर की। जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा इसको खाने के लिए, वो शुगर फ्री वाले गुलाब जामुन खाएं। लेकिन खाने में एकदम जो फ्रेश गुलाब जामुन होते हैं सॉफ्ट गर्मा गर्म वैसे ही लग रहे हैं। तो आप इसे मंगा के देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग है गुलाब जामुन खाने में। तो इसमें 16 पीस आते हैं, तो अगर आपकी फैमिली में 4 जन है तो हर एक 4-4 पीस खा सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसे खाना है। आप इसको आइसक्रीम के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, कुल्फी के ऊपर डाल के खा सकते हैं, रबड़ी के साथ खा सकते हैं। रेडी टू ईट आइटम के लिए बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है घसीटा राम का। ऑनलाइन आप इसे जियो मार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, जहां भी अवेलेबल होगा। तो आपको ये शॉर्ट रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, और टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज एंड रिव्यूज़।